क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 11 जहां पर दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पर कोई पॉइंट ई है। डायगनल बी डी इंटरसेक्ट, जो बी डी है वो ए ई को एफ पर कट कर रहा है। आपको प्रूव करना है ए एफ इंटू एफ बी इज इक्वल ई एफ इंटू एफ डी, ये आपको प्रूव करना है। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। ए बी सी और डी, ये डायगनल बी डी है और ई एक पॉइंट है बी सी पर। डायगनल बी डी ए ई को एफ पर कट कर रहा है। बच्चों यहां पर आपको प्रूव क्या करना है, आपको यहां पर प्रूव करना है ए एफ इंटू एफ बी इज इक्वल ई एफ इंटू एफ डी, ये आपको प्रूव करना है। ए एफ यानी ये एफ बी, ये ई एफ, ये और एफ डी, इनमें आपको रिलेशन बनानी है और वो रिलेशन इस तरह से होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर बात करेंगे इन ट्रायंगल डी ए एफ, डी ए एफ एंड ट्रायंगल। देखिए डी ए एफ, तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी ई एफ, बी ई एफ। देखिए ये एंगल दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एफ को एक जगह पर रखा गया है। डी से चलना स्टार्ट किया है, डी ए एफ, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहां पर डी से चले तो यहां पर बी से चलेंगे क्योंकि एंगल इक्वल है। तो बच्चों पहली चीज यहां पर आप लिखोगे एंगल ए एफ डी, ए एफ डी इज इक्वल, ए एफ डी इज इक्वल ई एफ बी, ई एफ बी। रीजन दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों यहां पर आप पूरा लिखेंगे फुल फॉर्म। दूसरी चीज एंगल डी ए एफ, ये वाला एंगल, या आप एंगल ए डी एफ भी ले सकते हैं, एंगल ए डी एफ इज इक्वल एंगल ए डी एफ, तो यहां पर होगा ई बी एफ, ई बी एफ, ई बी एफ। यहां पर रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों यहां पर देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं, रीजन होता है अल्टरनेट एंगल। देन बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बच्चों ट्रायंगल डी ए एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई एफ के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए एफ अपॉन ई एफ
इज इक्वल एफ डी अपॉन एफ बी। ऑर्डर वही ले जो आपको प्रूव करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर ए एफ इंटू एफ बी इज इक्वल ई एफ इंटू एफ डी। बच्चों यही आपको प्रूव करना था। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों 12 में आपसे कहा गया है, एक फिगर आपको दिया गया है जहां पर DB और BC परपेंडिकुलर है। DB और BC यहां पर 90 एंगल बन रहा है, DE AB पर परपेंडिकुलर है, DB EB पर परपेंडिकुलर है और DB BC पर परपेंडिकुलर है, AC BC पे परपेंडिकुलर है। तीन जगह 90 डिग्री दी हुई है। आपको प्रूव करना है BE अपॉन DE इज इक्वल AC अपॉन BC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फिगर दिया गया है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 तो यहां पर एक फिगर आपको दिया गया है कुछ इस तरह से। जहां पर ये एंगल 90 डिग्री दिया है आपको, ये भी 90 डिग्री दिया है और यहां से परपेंडिकुलर इस पे दिया हुआ है। बी सी ए डी और ये पॉइंट है ई, ये आपको फिगर दिया गया। आपको यहां पर प्रूव क्या करना है, BE टू प्रूव। बच्चों प्रूव करना है BE अपॉन DE इज इक्वल AC अपॉन BC, ये आपको प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। और आपको प्रूव करना है बी ई ये वाली साइड अपॉन डी ई ये साइड, ए सी ये साइड और बी सी ये साइड। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, सॉरी सिमिलर प्रूव करना होगा। तो इन ट्रायंगल बी ई डी BED एंड ट्रायंगल ACB, ध्यान दें हमने लिखा BED बीच में 90 डिग्री का एंगल रखा है। तो जब ABC की बात करेंगे तो 90 पे है C, तो यहां पर 90 पे E है और यहां पर 90 पर सी है। शुरुआत बी से की थी तो बी ई डी, यहां पर ए सी और बी जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको लेके चले हैं, तो बी डी और ई आप देख सकते हैं ये एंगल
कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में, यहाँ पर एंगल बी लिया गया। फिलहाल बी ई डी और ए सी बी बीच में 90 डिग्री रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, एंगल ई बी डी, ये वाला एंगल, देखिए लाइन बी डी और ए सी पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल बी और एंगल सी का सम। तो एंगल बी ई डी और यहां पर एंगल ए सी बी इक्वल होंगे, रीजन देंगे 90 डिग्री ईच, आपको दिया गया ई बी डी ये वाला एंगल और सी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, एंगल ई बी डी इज इक्वल एंगल सी ए बी। आप ध्यान दें, ई बी डी ये वाला एंगल इतना और सी ए बी ये वाला एंगल, देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बच्चों ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी बी के। और बच्चों जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, देयरफोर बी ई अपॉन ए सी इज इक्वल डी ई अपॉन बी सी। यहाँ पर हमने जगह चेंज कर ली, इसको यहाँ पर भेज दिया, इसको यहाँ पर भेज दिया, तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल ए सी अपॉन बी सी, यही आपको प्रूव करना था। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बच्चों 13 में कहा गया है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आपको एक समय पोल की शैडो दी गई है, दूसरे समय पोल की शैडो दी गई है और आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है जबकि टावर की शैडो दी गई है। तो बच्चों यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों आपसे कहा गया है एक पोल है 7.5 मीटर लॉन्ग, ये पोल है 7.5 मीटर लॉन्ग, इसकी शैडो बन रही है, ये 5 मीटर बन रही है, ए बी और सी, ये बच्चों आपको 7.5 मीटर एक पोल दिया है, पीछे से धूप पड़ेगी तो यहाँ पर परछाई बन रही है, शैडो छाया बन रही है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। बच्चों कह रहे उसी समय एक टावर है, ये टावर, इसकी जो शैडो है ये आपको दे रखी है 24 मीटर, 24 मीटर बन रही है,
और आपसे कह रहे इसकी हाइट निकालो, तो हाइट को हमने एच मान लिया है। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो बच्चों यहां पर जो परछाई है सेम टाइम पे बन रही है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है ये सेम होगा एट द सेम टाइम, एक समय पर जो एंगल बनेंगे दो चीजों के परछाई के वो सेम होंगे। तो बच्चों पहली चीज यहां पर आप लिखोगे एंगल ए बी सी, पहले लिख लें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों पहली चीज आप लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल पी क्यू आर, रीजन दोगे 90 डिग्री ईच। क्यों? क्योंकि जो टावर है वो भी सीधा खड़ा हुआ है 90 डिग्री पे और जो पोल है वो भी 90 डिग्री पे है। तो पहली चीज 90 डिग्री। दूसरा एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इक्वल होगा क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। रीजन क्या दोगे? एंगुलर एलिवेशन एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, एट सेम टाइम सेम एंगल बनता है। ये आप दूसरी चीज का कारण रीजन दोगे। बच्चों आगे ध्यान दें, देयरफोर बाई एंगल सिमिलरिटी, बच्चों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे, देयरफोर आप लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू, आप लिख सकते हो बी सी अपॉन क्यू आर। बच्चों ए बी 5 है, पी क्यू 24, बी सी 7.5, क्यू आर एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच यहाँ पर आ जाएगा, 5 को हमने नीचे भेजा, 7.5 इंटू 24 अपॉन 5, ये ऐसे जाएगा मल्टीप्लाई होगा 5 नीचे आएगा। अब ध्यान दें पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 से कट कर दें इसको, 25 थ्री जा और 25 टू जा, 2 से इसको कट किया 12 थ्री जा 36। बच्चों यहाँ पर हाइट आ गई h इज इक्वल 36 मीटर, ये फाइनल आंसर। ये हाइट आ गई है टावर की। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ये वाला ट्रायंगल आपको आइसोसेलिस दिख रहा है, आइसोसेलिस मतलब जिसकी दो साइड बराबर हो। बेस एबी, एबी बेस है, प्रोड्यूस बोथ वेज इन पी क्यू सच दैट, इनको बेस को आगे पीछे बढ़ाया गया यहाँ पी तक और यहाँ क्यू तक और पी से इनको ज्वाइन करा दिया। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ACAC, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है BCQ के, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, जबकि आपको गिवन है AP इंटू BQ इज इक्वल AC स्क्वायर, ये रिलेशन आपको दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपको आइसोसेलिस ट्रायंगल दिया है CAB, ये साइड और ये साइड इक्वल है और इनको बढ़ाया गया है दोनों तरफ, जहां यहां पर पॉइंट P है और यहां पर Q है, इसको ज्वाइन किया गया है। बच्चों यहां पर आपको गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल और AP इंटू BQ इज इक्वल AC2। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, प्रूव करना है ट्रायंगल APC सिमिलर है ट्रायंगल BCQ के, ये आपको प्रूव करना है। बच्चों जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, चलिए फिलहाल तैयार करते हैं, फिर हम आपको लास्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर CA इक्वल है CB के, आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो साइड AC और BC बराबर होंगे। अगर ये साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, इस साइड के सामने का ये एंगल, इस साइड के सामने का ये एंगल इक्वल होंगे। तो CA के सामने एंगल ये ABC, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAC के। बच्चों हमने इसको 180 से माइनस किया दोनों तरफ, 180 माइनस एंगल ABC इज इक्वल 180 माइनस एंगल BAC। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इस एंगल को 180 से माइनस करेंगे तो हमें इधर वाला एंगल मिल जाएगा, और इधर 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। बच्चों ये हो जाएगा एंगल PAC या CAP इज इक्वल एंगल ये वाला, तो CBQ ये। दूसरी चीज आपको इसको 1 लिख लेते हैं, AP इंटू BQ इज इक्वल बच्चों गिवन है AC2। अब यहां पर AP अपॉन AC को हम नीचे लेकर आए इज इक्वल, यहां एक AC बचा और इस BQ को हम इसके नीचे ले गए। अब AP अपॉन AC इज इक्वल AC और बच्चों AC की जगह हम BC लिख सकते हैं, तो इस AC की जगह हमने लिख लिया BC अपॉन BQ। तो AP अपॉन AC यहां पर हम BC को भी नीचे ला सकते हैं, AP अपॉन BC इज इक्वल AC अपॉन BQ।
नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू बाय। अब ध्यान दो, एपी अपॉन बीसी और एसी अपॉन बीक्यू, इन दो ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है ये भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, देन बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। बच्चों हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी क्यू के, और बच्चों यही आपको प्रूव करना था। तो एक आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, बार बार इन वीडियोस को देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर भेजें ताकि हम और मेहनत कर सकें और इसको बेहतर बना सकें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों 15 में आपसे कहा गया है, ये फिगर आपको दिया गया जहाँ एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल सी बी अपॉन सी ई गिवन है, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और डी सी ई ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर बच्चों यहां पर आपको ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ए बी और सी, इस लाइन ए बी के पैरेलल कुछ इस तरह से एक लाइन दी गई है, ई और डी लाइन दी गई है, पैरेलल नहीं बोला गया है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, 1 इक्वल है 2 के, बच्चों यहां पर ध्यान दें आपको एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 को आप लिख सकते हो डी बी ई या डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल 2 को आप लिख सकते हो ए सी बी, ए सी इसको 1 लिख लिया। दूसरी चीज बच्चों आपको दी गई है AC अपॉन BD इज इक्वल CB अपॉन CE, ये दिया गया। बच्चों यहां पर आप लिखोगे AC अपॉन AC अपॉन CB इज इक्वल BD अपॉन C। अब AC अपॉन CB ऐसे ही लिखा इज इक्वल, बच्चों BD की जगह हम CD लिख सकते हैं। देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल हैं, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी बी डी और सी डी, यहां मेंशन कर दो सिंस एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, देयरफोर 1 के सामने सी डी इक्वल होगा 2 के सामने बी डी,
बच्चों यहाँ पर हमने बी डी की जगह सी डी लिख दिया अपॉन सी, इसको बना दिया नंबर टू। ध्यान दें ए सी ये बड़ी वाली साइड अपॉन बी सी ये साइड और ये बीच का एंगल फ्रॉम वन एंड टू बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर एट एंगल सी डी ए सी बी ए सी बी ए सी बी सिमिलर है डी सी ई के डी सी ई के। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, तो प्रूव हो चुका है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ए डी इज इक्वल बी सी, ए डी इज इक्वल बी सी, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी सी डी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोमबस, पी क्यू आर एस इज अ रोमबस, आपको ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इस तरह से ए बी सी डी और ए सी डायगोनल है, बी डी डायगोनल है। बच्चों यहां पर ए डी बी सी के इक्वल है, ये साइड इक्वल है। आपसे बोला गया है पी ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पी, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है क्यू, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस बी डी का मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रोमबस। तो आप गिवन में लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए डी इज इक्वल बी सी, ए सी का मिड पॉइंट है क्यू, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मिड पॉइंट है पी, ए बी का मिड पॉइंट है आर, सी डी का मिड पॉइंट है और बच्चों एस बी डी का मिड पॉइंट है। ये जानकारी आपको दी गई है टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है पी क्यू आर एस इज रोमबस, ये आपने प्रूव करना है। प्रूव बच्चों ध्यान दें सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ
ईबी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ईसी। ईबी का मिड पॉइंट पी है और ईसी का मिड पॉइंट क्यू है। तो बच्चों यहां पर पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, साथ में पी क्यू इक्वल होगा हाफ बीसी। नंबर वन पहली चीज, ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से ये तो हमने बात की ट्रायंगल एबीसी की, इन ट्रायंगल एबीसी। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। सिंस यहां पर आप लिखेंगे ए डी सी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। या यहां पर सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी क्यू आर क्यू आर पैरेलल होगा ए डी के क्यू आर पैरेलल होगा ए डी के और क्यू आर इक्वल होगा हाफ ए डी के। यहाँ ईडी कर लें, हाफ ईडी के, या इसको बच्चों आप हाफ ईडी की जगह बीसी भी लिख सकते हैं। ये हो गया नंबर दो। देयरफोर इन ट्रायंगल बी सी डी बी सी डी, बच्चों यहां पर देखें आर सी डी का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी लेंथ में, तो एस आर पैरेलल होगा बी सी के और एस आर इक्वल होगा हाफ बी सी के। नंबर तीन, इसी तरह से इन ट्रायंगल ए बी डी, सब साइड से लगे हुए ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी, बच्चों इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये साइड में क्या रिलेशन होगा पैरेलल और हाफ। तो आप लिखोगे पी एस पैरेलल ई डी के और पी एस इज इक्वल हाफ ई डी और इसको हाफ बी सी भी लिख सकते हो क्योंकि ए डी और बी सी इक्वल है। नंबर चार, बच्चों वन टू थ्री फोर के आप राइट हैंड साइड देखें तो हर जगह इक्वल है, फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर हम लोग क्या लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल है क्यू आर के इज इक्वल है आर एस के इज इक्वल है एस पी के, चारों साइड इक्वल हो गई। देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रोमबस।
तो एक बार आप फिर से ध्यान दें, आपको पी क्यू आर एस बच्चों प्रूव करना था, ये एक रोम्बस है यानी चारों साइड इक्वल दिखानी थी। शुरुआत हमने ट्रायंगल ए बी सी से की बच्चों, इसमें इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्लास 9th। इसका मिड पॉइंट है पी और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू। बच्चों ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और लेंथ में इसकी हाफ होगी। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, तो पी क्यू पैरेलल बी सी होगा, साथ में पी क्यू 1/2 बी सी होगा, आधा होगा बी सी के। सिमिलरली इसी प्रकार बाकी ट्रायंगल में हमने डायरेक्ट लिख दिया और ई डी की जगह हम बी सी लिख सकते क्योंकि आपको इक्वल दिया गया था। बच्चों ये ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है, आर एस अग्रवाल की हेल्प ली गई, यहाँ पर बुक आर एस अग्रवाल की इस्तेमाल की गई है और सारे क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। बच्चों बस प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान से सारे वीडियो को देखते रहें और देखने के बाद अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करें। धन्यवाद।